पार्टिकल का इस समय पर जो पोजीशन वेक्टर है ये जो पार्टिकल है इस इंस्टेंट पर पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल इज आर। क्या आप देख सकते हैं इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर क्या है? मैं कहता हूं दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर फ्रॉम हियर टू हियर दिस वेक्टर। इस इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर को मैं दो तरीके से लिखता हूं। एक तो यूनिट वेक्टर अलोंग रेडियस और यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट के टर्म्स में लिखता हूं। देखिए इस तरह से दिस रेडियस वेक्टर कुड बी रिटन एज आर इंटू ई आर प्लस जीरो इंटू ई टी। रेडियल वेक्टर के अलोंग इसकी दूरी r है और टेंजेंशियल वेक्टर के अलोंग इसकी कोई दूरी नहीं। या फिर इस रेडियस वेक्टर को लिखने का एक और तरीका हो सकता है i कैप और j कैप। x एक्सिस के अलोंग इट्स mod r cos थीटा r cos theta into i cap plus r sin theta into j cap। यह रेडियस वेक्टर हुआ। मैग्नीट्यूड इज r, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डिस्टेंस इज r और x एक्सिस के अलावा जो कंपोनेंट है mod r cos theta, cos कंपोनेंट, और यह x एक्सिस के अलोंग इसलिए i कैप और मॉड r साइन थीटा यह y एक्सिस के अलोंग इंटू j कैप। अब दिस इज द इंस्टेंटेनियस पोजीशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल। अब आई विश टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वेक्टर के लिए एक्सप्रेशन लिखना चाहता हूं। डू यू नो व्हाट इज वेलोसिटी? वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी instantaneous velocity vector of the particle and it's always given by dr by dt, the rate of change of position vector. The rate of change of position vector is the velocity vector. So the velocity vector is d by dt of radius vector. Radius vector ki jagah main likh deta hu r cos theta into i cap plus r sin theta into j cap। This is the instantaneous velocity vector. ये basic definition है। velocity vector is rate of change of position vector। इधर लिख देता हूं ये डेफिनेशन को।
its rate of change of position vector. और फिर इस वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे ऐसा कैसे लिखा, v इज इक्वल टू डी बाई डी टी और रेडियस वेक्टर की जगह यह रेडियस वेक्टर i कैप और j कैप के टर्म्स में। मैं रेडियस वेक्टर के लिए यह डेफिनेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं कहता हूं रेडियस वेक्टर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है और इस तरह से भी लिखा जा सकता है, आवश्यकता पड़ने पर मैं यह डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर लूंगा और आवश्यकता पड़ने पर मैं यह डेफिनेशन भी इस्तेमाल कर लूंगा, जहां जैसी इच्छा होगी मैं वहां पर वैसे ही डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा। इधर मैं यह वाली डेफिनेशन इस्तेमाल कर रहा हूं रेडियस वेक्टर के लिए। अब आर कॉन्स्टेंट है, आर कॉन्स्टेंट है, यह डिफरेंशियल के बाहर आ जाएगा, मगर कॉस थीटा और साइन थीटा यह कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे जैसे यह पार्टिकल मूव कर रहा है, जैसे जैसे यह पार्टिकल मूव कर रहा है, थीटा चेंज होगा, थीटा वुड वेरी विद टाइम। और हम अच्छी तरह से जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा डी थीटा बाय डी टी इज ओमेगा, दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। The rate of change of theta is omega and this is angular velocity. अब देखिए मैं इस एक्सप्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करूंगा। यू आर इन 11th स्टैंडर्ड, वंस अगेन इस जगह पर जो एप्लीकेशन आ रहा है वह 12th स्टैंडर्ड का, मगर सीखना हमें पड़ेगा, अप्लाई हमें करना ही पड़ेगा, हम इस चीज को ऐसा नहीं सोच सकते कि बाद में सीखेंगे। इनफैक्ट मैं इस समय कोई नई चीज नहीं बता रहा हूं, जो मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूं उसी को एक दूसरे तरीके से करना सिखा रहा हूं, और यह जो दूसरे तरीके से जो करना सिखा रहा हूं बाद में इसीलिए सिखा रहा हूं क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट आ रहे हैं वो वेक्टर्स के अप्लाइड कंसेप्ट है, कैलकुलस के अप्लाइड कंसेप्ट है, मगर उनको सीखना इसी स्थिति में पड़ेगा, हम बात के लिए बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। देखिए अब इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका, आर कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट आर के साथ में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते। कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा, डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा में करना है तो कॉस थीटा को पहले डिफरेंशिएट करना होगा, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। अब हमें टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था मगर हमने थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, आगे हम लिख देते हैं डी थीटा बाय डी टी, इसके बाद थीटा को डिफरेंशिएट करना है इन टू आई कैप। इस तरीके से हम पहली टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, आर कांस्टेंट है ऐसा कैसे ही लिख दिया, कॉस थीटा का डिफरेंशियल माइनस साइन थीटा। अब डिफरेंशिएट हमें टाइम के रेस्पेक्ट में करना था मगर अभी हमने थीटा को डिफरेंशिएट कर दिया तो इसके बाद हम लिख देते हैं डी थीटा बाय डी टी इन टू आई कैप। इसी तरह से अब हम दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट करते हैं, आर कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशियल होता है कॉस थीटा, और फिर हमें थीटा को डिफरेंशिएट करना होगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो हमने लिख दिया डी थीटा बाय डी टी इन टू जे कैप। इस तरह से हमने दूसरी टर्म को डिफरेंशिएट कर दिया। अब वेलोसिटी वेक्टर देखिए, आर ऐसा कैसा है डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी की जगह हम लिखेंगे ओमेगा,
यह थीटा टाइम के साथ में चेंज हो रहा है एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा इज ओमेगा. रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज एंगुलर वेलोसिटी. तो इधर डी थीटा बाय डीटी की जगह ओमेगा, इधर भी डी थीटा बाय डीटी की जगह पर ओमेगा. आर ओमेगा दोनों टर्म से कांस्टेंट होकर बाहर आ जाएगा, कॉमन होकर बाहर आ जाएगा और अंदर बचा रह जाएगा माइनस साइन थीटा इनटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इनटू जे कैप. ऑब्जर्व दिस. जरा देखिए माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप क्या है. इस जगह पर बड़े ध्यान से देखिए माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप दिस इज टेंजेंशियल वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट. तो मैं वेलोसिटी वेक्टर की जगह पर अब मैं लिख देता हूं इट्स ओमेगा आर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट. नाउ व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस. ये जो बात हमने ऑब्टेन करी है इसका क्या कंक्लूजन. वी कंक्लूड दैट एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द टेंजेंट. मींस एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज अलोंग टेंजेंट. एट एनी इंस्टेंट द वेलोसिटी इज टेंजेंशियल and the magnitude of velocity is omega r. It implies that at any instant velocity of particle is along the tangent and equal to omega r. Particle velocity at any instant is tangential and this v is equal to omega r. खास बात इस बात को हम इसके पहले ही लिख चुके हैं, बता चुके हैं. अब इसी बात को हमने दोबारा कंक्लूड करा है. इस बार हमने मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करा है, यूनिट वेक्टर्स वेक्टर्स का इस्तेमाल करा है और कैलकुलस का इस्तेमाल. इसे कंक्लूड करने के बाद मैं दोबारा यह कंक्लूड कराऊंगा कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन क्या है, कितना है और किस डायरेक्शन में. पहले इसी चीज को थॉरली नोट डाउन कर लो, बड़े ध्यान से देखो और इस बात को समझो. इसके बाद का जो मेरा आर्टिकल होएगा द एक्सीलरेशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल इट्स मैग्नीट्यूड एंड इट्स डायरेक्शन. इसे नोट डाउन करो. चलिए मैं इस बात को इधर जरूर बताता हूं कि ये डी थीटा बाय डीटी कैसे आया है. मैं इस बात को इधर जरूर बताता हूं. देखिए हमने यह लिखा वेलोसिटी वेक्टर इज डी बाय डीटी ऑफ रेडियस वेक्टर. वेलोसिटी वेक्टर इज डी बाय डीटी ऑफ पोजीशन वेक्टर. ये लिखा. अब मैं इस एक्सप्रेशन को डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता.
इसे डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो डी आर तो ऐसा कैसे रहा, डी टी डिनोमिनेटर में ऐसा कैसे रहा, और यह एक्सप्रेशन ऐसा इस तरह से लिखा गया। नाउ आई मे रीड दिस एक्सप्रेशन इन दिस मैनर एज डी बाय डी थीटा ऑफ आर कॉस थीटा इंटू आई कैप प्लस आर साइन थीटा इंटू जे कैप इंटू डी थीटा बाय डी टी। इस तरह से यह डी थीटा बाय डी टी ओवरऑल दिखने लगेगा। और अब मुझे कॉस थीटा को डिफ्रेंशिएट करना है थीटा के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर अब मैं लिख दूंगा माइनस साइन थीटा और यह डी थीटा बाय डी टी दिखने लगेगा। इस तरीके से यह डी थीटा बाय डी टी आया है, दोनों ही टर्म में आया है। कॉमन लेकर देखोगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। और उस डी थीटा बाय डी टी की जगह हमने ओमेगा लिख दिया। क्या अभी यह बात समझ में आ रही है? तो सर ये बात अब समझ में आ गई, यह डी थीटा बाय डी टी किस तरह से आया है? पक्का पक्का ना? देखिए, यह तो मैंने यह बात प्रूव करी कि सर्कुलर मोशन में मूव करती हुई कोई सा भी पार्टिकल उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है और उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यह होता है। अब मैं इसी वेलोसिटी वेक्टर से ही स्टार्ट करूंगा। मैं अब वेलोसिटी वेक्टर देखता हूं। दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर इज ओमेगा आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। यह पार्टिकल की वेलोसिटी वेक्टर है। यह वेलोसिटी वेक्टर मैंने इस एक्सप्रेशन को लिया, ओमेगा आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब इसके पहले की कहानी पूरी साफ कर देता हूं। नाउ आई विश टू राइट एन एक्सप्रेशन फॉर एक्सीलरेशन वेक्टर। मैं पार्टिकल का एक्सीलरेशन वेक्टर लिखना चाहता हूं। फर्स्ट ऑफ क्या आप मुझे बताओगे मुझे जो एक्सीलरेशन वेक्टर लिखना है अल्टीमेटली क्या आना चाहिए? अल्टीमेटली क्या आना चाहिए? मैं यह वेलोसिटी बड़े ध्यान से समझ जाए, जो मेरा क्वेश्चन है पहले उसको ध्यान से सुन लो फिर जवाब दो। यह वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मुझे इधर दिख रहा है ओमेगा आर, और वेलोसिटी का डायरेक्शन मुझे इधर दिख रहा है। यह जो मुझे वेलोसिटी का डायरेक्शन दिख रहा है इस एक्सप्रेशन से साफ साफ समझ में आ जा रहा है कि टेंजेंशियल है। तो वेलोसिटी टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी किसी भी समय पर इस डायरेक्शन में है। दिस इज द वेलोसिटी जिसका डायरेक्शन टेंजेंशियल हो गया और मैग्नीट्यूड ओमेगा। नाउ माय नेक्स्ट एम इज टू राइट द एक्सीलरेशन वेक्टर। एक्सीलरेशन वेक्टर लिखने के लिए जो मैं डेफिनेशन इस्तेमाल करूंगा दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर This acceleration vector is dv by dt, its rate of change of velocity vector. ये basic definition. Of course, मैं ऊपर वाले expression को एक और बार differentiate करूंगा।
वेलोसिटी वेक्टर को डिफरेंशिएट करूंगा, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा और इससे एक्सीलरेशन वेक्टर ऑब्टेन करूंगा। अब आप मुझे यह बताओ कि जो मैं एक्सीलरेशन वेक्टर ऑब्टेन करूंगा तो अल्टीमेटली एट द लास्ट क्या एक्सप्रेशन किस तरह का दिखना चाहिए? जो एक्सीलरेशन वेक्टर में ऑब्टेन करूंगा एट द एंड, उस एक्सप्रेशन को किस तरह का दिखना चाहिए? मैंने आज क्लास स्टार्ट करते समय एक्सीलरेशन वेक्टर्स के बारे में बता दिया है, वहां मैथमेटिक्स नहीं अप्लाई करी थी, वहां मैंने वेक्टर्स अप्लाई नहीं करा था, लॉजिक से मैंने वह एक्सीलरेशन लिख दिया था। अब मैं उसी चीज को मैथमेटिकली ऑब्टेन करना चाहता हूं। जो मुझे मिलना चाहिए किसी भी पार्टिकल का किसी भी समय पर, एक तो रेडियली इनवर्ड डायरेक्शन में एक एक्सीलरेशन मुझको मिलना चाहिए जो कि सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन होएगा, और उस सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन का मुझको मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर और वी ओमेगा, और दूसरा एक्सीलरेशन मुझको टेंजेंशियल डायरेक्शन में दिखना चाहिए, और वह टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जो दिखना चाहिए वह होना चाहिए अल्फा इंटू आर। यह बात मैं पहले ही क्लास स्टार्ट करते समय लिख चुका हूं, मैं दोबारा उसको एक दूसरे कंसेप्ट से लिखने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, इट्स दिस एक्सीलरेशन इज डी बाय डीटी ऑफ ओमेगा आर इंटू माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। अब देखिए, इधर दो वेरिएबल्स हैं, आर तो कॉन्स्टेंट है, आर तो कॉन्स्टेंट है, एक तो ओमेगा वेरिएबल हो सकता है, समय के साथ ओमेगा चेंज हो सकता है, और दूसरा समय के साथ ये पूरा साइन थीटा कॉस थीटा है, पूरा टर्म ही चेंज हो रहा है। मैं एक्सीलरेशन वेक्टर जो लिखूंगा, दिस एक्सीलरेशन वेक्टर इज, आर तो मैं पूरी तरह से बाहर ले लेता हूं। अब वी हैव गॉट सम ऑफ टू प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स, एक तो ओमेगा वेरिएबल है और दूसरा ये टर्म वेरिएबल है। जब दो वेरिएबल्स का प्रोडक्ट हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो जो तरीका होता है दैट इज कि पहले एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, दूसरे को कांस्टेंट रखो, इसके बाद दूसरे को डिफरेंशिएट करो और पहले को कांस्टेंट रखो। तो ओमेगा को मैं डिफरेंशिएट पहले करूंगा डी ओमेगा बाय डी टी, यह ओमेगा को डिफरेंशिएट करा और दूसरे फंक्शन को कांस्टेंट रखा, माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप, यह हमने पहले फंक्शन को डिफरेंशिएट करा। अब हम क्या करते हैं, ओमेगा को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं डी बाय डी टी ऑफ माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, यह तरीका होता है। फिर एक और बात समझा रहा हूं, दिस इज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑफ एक्सीलरेशन डीवी बाय डीटी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, दिस इज अ जनरलाइज्ड डेफिनेशन ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा डी बाय डीटी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी की जगह यह पूरा एक्सप्रेशन हमने लिख दिया, मतलब हम इस पूरे एक्सप्रेशन को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो पार्टिकल का एक्सीलरेशन आएगा।
और जब यह पार्टिकल सर्कुलर पाथ में है तो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ कांस्टेंट है, मतलब आर कांस्टेंट है, मगर समय के साथ ओमेगा चेंज हो रहा है और समय के साथ ये ब्रैकेट के अंदर साइन थीटा कॉस का ये सारी टर्म्स भी चेंज हो रही है। जब मैं एक्सीलरेशन वेक्टर डिवाइड डीटी ऑफ दिस करूंगा तो आर जो कि कांस्टेंट है वो तो बाहर आ जाएगा, मगर ओमेगा भी वेरिएबल है और ब्रैकेट में यह टर्म यह भी वेरिएबल है। नाउ वी हैव गॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेरिएबल्स and we are carrying the differential of the product of two variables. Fourth class में हम इस बात को सीखेंगे कि जब हमें दो variable के product हो और उनका differential करना हो तो उसका जो तरीका है वो मैंने लिखा है कि पहले variable को differentiate कीजिए और दूसरे variable को constant रखिए, तो omega को differentiate करा d omega by dt और दूसरा वेरिएबल या जो पूरा ब्रैकेट में है इसको कांस्टेंट ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। फिर पहले वेरिएबल को कांस्टेंट रखिए और दूसरे वेरिएबल को डिफरेंशिएट कर दिए, तो ओमेगा को कांस्टेंट रख दिया और डी बाई डी टी ऑफ ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर था इसको डिफरेंशिएट कर। अब बड़े ध्यान से देखिए इसको, d ओमेगा बाय dt द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम अल्फा कह देते हैं। मैं इधर लिख देता हूं d ओमेगा बाय dt इज अल्फा। इधर डी ओमेगा बाय डीटी की जगह अल्फा, बाकी ऐसा कैसे लिखूंगा ओमेगा। अब डी बाय डीटी ऑफ माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, इधर वही पहले की तरह पहले साइन थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा और डी थीटा बाय डीटी और कॉस थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा साथ में डी थीटा बाय डीटी, वो डी थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करके। देखिए आई विल राइट इट लाइक दिस, एक्सीलरेशन इज आर ऐसा का ऐसा ही लिखा, d ओमेगा बाय dt की जगह अल्फा और इधर माइनस साइन थीटा इंटू आई कैप प्लस कॉस थीटा इंटू जे कैप। यह हुआ, और इधर प्लस ओमेगा, माइनस साइन थीटा का होगा माइनस कॉस थीटा इंटू आई के, और कॉस थीटा का होगा माइनस साइन थीटा इंटू जे कैप इंटू डी थीटा बाय डीटी। डी ओमेगा बाय डीटी की जगह अल्फा, और ये टर्म पूरी ऐसी कैसी नोट डाउन कर दी, प्लस ओमेगा ऐसा कैसे ही। अब डी बाई डीटी ऑफ दिस करना था तो पहले साइन थीटा का कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा और डी थीटा बाय डीटी। अब जरा देखिए, एक्सीलरेशन इज अल्फा इंटू आर, ये आर अंदर ले जा रहा हूं, अल्फा इंटू आर माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप। क्या आप ऊपर से देखकर इसी समय बताएंगे माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, व्हाट इज दिस माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, दिस इज टेंजेंशियल
यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट। प्लस इधर देखिए वेव ओमेगा, माइनस साइन बाहर आया, माइनस ओमेगा और डी थीटा बाय डी टी की जगह भी ओमेगा इनटू आर अंदर आ चुका है और इधर बचा दिख रहा है कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप? इट्स रेडियल यूनिट वेक्टर, सो नेट एक्सीलरेशन इज अल्फा आर इंटू ईटी प्लस माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर, माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर इंटू ई आर, या फिर माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर आर लिखने के बजाय आप तो ओमेगा स्क्वायर आर ही लिखो, मैग्नीट्यूड ओमेगा स्क्वायर आर ही लिखने दो और इधर लिखो माइनस ऑफ ई आर। Now what do this mean? We used to say particle का जो acceleration है उसके दो component है। The acceleration of the particle is one along the tangent and another one along the radius, radial inward. This tangential along the tangent, the tangential acceleration is alpha into r. Along the tangent, the tangential acceleration is alpha into r. And along the radius, it's radially inward. Minus sign means radially inward. Along the radius, the radial acceleration is omega square r. Once again, the same result जो हमने इसके पहले सीखा है, मतलब कोई सा भी पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन में है उसके दो एक्सीलरेशन के कंपोनेंट हो सकते हैं, एक तो टेंजेंशियल और एक रेडियल। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इज अल्फा आर, रेडियल एक्सीलरेशन इज ओमेगा स्क्वायर आर। दिस वॉज द काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अभी तक ये जो भी कुछ मैंने बताया दिस वॉज काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन पढ़ते और समझते समय हमने सीखा है वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इन सभी चीजों को रिलेट करना सीखा है। हमने इनको बेसिक तरीके से भी सीख लिया और एडवांस तरीके से भी सीख लिया। अब इसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसे बड़े ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए, एक एक स्टेप को पढ़िए समझिए, कोई डाउट हो तो अभी पूछिए।